जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज के इनकम टैक्स रोज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 लाख से कम इनकम होने पे भी आपको नहीं मिलेगी 87A की रिबेट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 87A की रिबेट। अब कुछ ऐसे इनकम्स हैं जिसके अंदर आपको 7 लाख से कम इनकम होने पे भी टैक्स देना पड़ेगा। न्यू इनकम टैक्स रूल्स क्या है, आइए जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो एंड तक जरूर देखिए। मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिनको भी अवेयरनेस नहीं है उनको मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये करना आप सभी के लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ जाती है और हम आप सभी के लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। साथ में आप सभी की रिक्वेस्ट पे अब टैक्स साथी शॉर्ट्स चैनल भी ऑफिशियल लाइव हो चुका है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है मिस्टर ए का। मिस्टर ए ने ऑप्ट किया है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए न्यू टैक्स रिजीम को। न्यू टैक्स रिजीम में आप सभी को पता है कि 7 लाख तक की इनकम पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। क्या वाकई में 7 लाख तक की इनकम पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं है, आइए देखते हैं। मिस्टर ए को हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए का, क्रिप्टो की इनकम है 1 लाख रुपए की और ऑनलाइन गेमिंग से उन्होंने कमाई है 1 लाख रुपए की। तो टोटल इनकम मेरी यहाँ पे हो गई 4 लाख रुपए की। तो अब मिस्टर ए बोलते हैं कि मुझे तो किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है, लेकिन आप सभी को पता नहीं है तो मैं बता दूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्रिप्टो की इनकम और ऑनलाइन गेमिंग, ये तीनों ही इनकम जो है स्पेशल रेट ऑफ इनकम पे टैक्स होती है। तो आइए हम इस पे फटाफट से टैक्स कैलकुलेशन देखते हैं। टैक्स ऑन कैपिटल गेन अगर मैं देखूं, क्योंकि 2 लाख तक की इनकम है, न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो ये चला जाएगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर चले जाने के बाद यहाँ पे आपको 2 लाख तक की इनकम पे कोई भी तरह का टैक्स नहीं देना है। लेकिन अब मैं बात करती हूँ क्रिप्टो की इनकम। क्रिप्टो की इनकम है आपकी, तो दोस्तों क्रिप्टो की इनकम है आपकी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पे यहाँ पे क्रिप्टो इनकम पे आपके हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगती है, 30% की रेट टैक्स होता है क्रिप्टो की इनकम, तो आपका 30,000 रुपए का टैक्स यहाँ पे बनता है। ऑनलाइन गेमिंग भी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स पे कैलकुलेट होती है, तो उस पे भी आपका टैक्स जो बनता है वो बनता है 30,000 रुपए। तो टोटल टैक्स जो आपका पेबल है मिस्टर ए का वो होता है 60,000 रुपए। अब उसके बाद जो है रिबेट की अगर मैं बात करूं, तो अब आप बोलेंगे कि मेरी इनकम 7 लाख रुपए से कम है, मेरे को ठीक है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा नहीं मिला, लेकिन रिबेट तो मिलना चाहिए। रिबेट आपको मिलना चाहिए 25,000 रुपए, क्योंकि यहाँ पे नए टैक्स रिजीम की स्लैब्स को गवर्नमेंट ने चेंज किया है। पहले 3 से 6 लाख और 6 से 9 लाख तक का स्लैब था, तो 25,000 की रिबेट बनती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको बजट 24 से अपडेट करके 3 से 7 लाख तक का स्लैब कर दिया है, जिससे 20,000 तक की रिबेट बन रही है। तो इस पे गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन आना पेंडिंग है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के रूप में जो करंट अभी रिबेट चल रही है 25,000 रुपए उसको ला रही हूँ। अगर 20,000 रुपए भी होती है आगे इन फ्यूचर, तो आप इसे 20,000 रुपए भी कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटल टैक्स पेएबल मेरा यहाँ पे बनता है वो है 35,000 रुपए। तो अब यही हम सेम एग्जांपल देख लेते हैं ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में, और क्या वाकई में आपको 87A का रिबेट मिलेगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर की मदद से और विद टैक्स लॉ मैं आपको समझाऊंगी। तो ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में सेम ही एग्जाम्पल है, और यहाँ पे जो है रिबेट हमने कंसिडर की है 12,500 की। तो टोटल टैक्स जो ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में बनेगा वो बनेगा 47,500 का। अगर इस बेसिस पे देखें तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम में जाना फायदे में है, क्योंकि यहाँ पे जो है 35,000 का टैक्स हमें भरना पड़ रहा है और ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 47,500 का। तो अब हम देखते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर क्या बोलता है और उसपे कैसे आपको टैक्स मिलता है। तो दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ इनकम टैक्स वेबसाइट के ही इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे। मैंने यहाँ पे एडवांस इनकम टैक्स कैलकुलेटर को सिलेक्ट किया है, असेसमेंट ईयर मैंने 25-26 को लिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू इनकम टैक्स रिजीम की। तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम में मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 111A के अंदर जो मैंशन है उसमें यहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए डाल दिए। 2 लाख रुपए ये तो डाल दिए, और उसके बाद जो है अब मेरे को डालना है
यहाँ पे स्पेशल रेट ऑफ इनकम जो कि मेरे विनिंग ऑफ लॉटरी, क्रॉस वेल्थ और एक्सेट्रा में यहाँ पे कवर्ड हो जाती है, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 2,00,000 रुपए, क्योंकि यहाँ पे विनिंग ऑफ लॉटरी और क्रॉस वर्ल्ड पजल भी यहाँ पे हाईएस्ट रेट पे टैक्स होती है, तो टैक्स रेट का यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मेरी टोटल इनकम जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 4,00,000 रुपए की है। न्यू इनकम टैक्स रिजीम में कौन कौन सी एग्जेम्पशन और डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक जो है चैनल पे यहाँ पे इस वीडियो में आई बटन पे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टैक्स रेट की। तो टैक्स रेट अगर मैं देखूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं आया है, उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में कंसिडर कर लिया गया है। स्पेशल रेट ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉस वर्ल्ड सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो आपको 60,000 रुपए का टैक्स जो हमने यहाँ पे अपने टैक्स कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट किया था, 60,000 रुपए का टैक्स वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब मैं यहां पे अगर बात करूं आपके रिबेट की, अरे दोस्तों यहां पे तो आपको किसी भी तरह की रिबेट नहीं दी गई है, तो ये रिबेट क्यों नहीं दी गई है, तो उसका रीजन हम यहां पे लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम की। ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में अगर मैं बात करूं तो ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में भी सेम चीज है, आपका कैपिटल गेन पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी और पजल में यहां पे बात करूं तो आपका जो है 60,000 का टैक्स जो है क्रिप्टो और उसकी इनकम पे लगा हुआ है, लेकिन इसमें आपको रिबेट आ रही है 12,500 की। तो इस हिसाब से देखें तो आपका जो 47,500 का टैक्स है वो आपका बन रहा है ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में, और 60,000 का टैक्स बन रहा है न्यू इनकम टैक्स रिजीम में। अब ये चेंज क्यों हुआ है, क्या रीजन है कि आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 87A की रिबेट नहीं मिल रही है, चाहे आपकी इनकम 7,00,000 रुपए से कम है। तो इसका रीजन है गवर्नमेंट का लाया हुआ चेंज 87A के अंदर, तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सेक्शन 87A जो कि रिबेट मिलती है इंडिविजुअल्स के केस में। रिबेट 87A का मेन सेक्शन ये बात करता है ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में, जहां पे बात करता है कि अगर आपकी इनकम, इंडिविजुअल्स की इनकम 5,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो उनको डिडक्शन कितनी मिल जाएगी, इक्वल अमाउंट ऑफ 100% ऑफ इनकम टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस, उतनी उनके टैक्स की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स रिजीम की। न्यू इनकम टैक्स रिजीम में एक प्रोविजो सेक्शन ऐड किया गया 87A के अंदर, तो उसके अंदर लिखा गया ये इफेक्टिव हो गया है आपका असेसमेंट ईयर 24-25 से, यहाँ पे लिखा गया है कि वेयर द टोटल इनकम ऑफ द असेसी इज चार्जेबल टू अंडर सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 115BAC। 115BAC न्यू इनकम टैक्स रिजीम का है और यहां पे वर्ड लिखा गया है चार्जेबल, ना कि यहां पे वर्ड लिखा गया है टोटल इनकम अप टू 7,00,000 रुपीज। तो पहला आपका यहां पे ये डाउट क्लियर होना जाना चाहिए कि इसमें सीधी सीधी बात लिखी गई है कि अगर आप न्यू इनकम टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम के सेक्शन के अंदर जो इनकम आपके चार्ज होगी वहीं पे आपको 87A का बेनिफिट मिलेगा। जो इनकम 115BAC के अकॉर्डिंग चार्ज नहीं होगी तो आपको जो है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे स्पेशल रेट ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका चार्ज होता है 111A के अकॉर्डिंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अकॉर्डिंग, क्रिप्टो की इनकम 115BH के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम 115BG के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही जो इनकम आपको अगर मैं समराइज करूं सेक्शन 115BAC के अंदर जो इनकम आपकी मेंशन है उस पे अगर आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में टैक्स लगता है तभी आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A न्यू इनकम टैक्स रिजीम में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स से डिफरेंट सेक्शन के अंदर टैक्स होगी उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में मिलेगा, न्यू इनकम टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा, बशर्ते आपकी इनकम होनी चाहिए 5,00,000 रुपए से कम। 5,00,000 रुपए से कम है तो आप 87A का बेनिफिट ले सकते हैं ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में, न्यू इनकम टैक्स रिजीम में तभी ले सकते हैं, वो सेक्शन आपके चार्जेबल हो, वो इनकम आपकी 115BAC के अंदर चार्जेबल हो तभी आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं, अगर आपकी इनकम 7,00,000 रुपए से कम है तो। और 7,00,000 से ज्यादा होने पे तो वैसे भी आपको टैक्स देना है, और 7,00,000 से कम होने पे
इस सेक्शन के अकॉर्डिंग चार्ज होगा तभी आपको डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो 7 लाख से कम पे भी आपको टैक्स देना होगा, आपको किसी भी तरह की 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी, समझ में आ गया होगा कि कौन सा इनकम टैक्स रिजीम आपको ऑप्ट करना है 87A की रिबेट अगर आप चाहते हैं तो। तो ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट हम लाते रहें। तो चलिए आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल टैक्स साथी पे फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट टैक्स वीडियो नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलते रहें। अब आपको हमारे चैनल पे वीडियोज़ के साथ साथ शॉर्ट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे जिसमें आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से क्विकली अपडेट करवा सकते हैं। साथ में अगर आपको किसी भी तरह की एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और आप हमें अब व्हाट्सएप के द्वारा भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।